हेलो एवरीवन, डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 10 से 12 जुलाई 2024 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट का पहला संस्करण किस राज्य के सहयोग से आयोजित किया जाएगा? यहाँ पे मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूंगा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, गोवा। विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट का पहला संस्करण किस राज्य के सहयोग से आयोजित किया जाएगा? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, गोवा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले, इस संस्करण को ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया जाएगा? तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है, वेफ स्टैंड फॉर, तो जो आपका वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट है, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? वेफ्स है। तो आपसे एग्जाम में वेफ्स का मतलब पूछ सकता है, WAVES स्टैंड फॉर वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट। और ये कहाँ पे होगा? गोवा में होगा। समिट कहाँ पे होगा? द समिट विल बी होस्टेड इन गोवा इन कोलेबोरेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गोवा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जेस्विन एल्ड्रिन आगामी पेरिस ओलंपिक में किस श्रेणी में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे? सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, लॉन्ग जम्प, लंबी कूद में। जेस्विन एल्ड्रिन आगामी पेरिस ओलंपिक में किस श्रेणी में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, लॉन्ग जम्प। और एक नाम आपको और याद रखना है, अंकिता धयानी। अंकिता धयानी, इनका संबंध किस खेल से है? तो 5000 मीटर रनर में सेलेक्ट हुई है पेरिस ओलंपिक के लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 11 जुलाई को प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से कौन सा दिन मनाया जाता है? तो गिवेन ऑप्शन में ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, विश्व जनसंख्या दिवस। 11 जुलाई को प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से कौन सा दिन मनाया जाता है? तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, विश्व जनसंख्या दिवस, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और 2024 की थीम क्या है? लिव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2024 की थीम क्या है? लिव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन। और वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाते हैं? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। अच्छा, आपके लिए एक होमवर्क है, आपको बताना है विश्व महासागर दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस और विश्व जल दिवस कब मनाते हैं और इसकी थीम क्या है 2024 की। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस संस्था ने SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 जारी किया? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नीति आयोग ने। हाल ही में किस संस्था ने SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 जारी किया? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नीति आयोग। अब यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सारे देख लेते हैं। सबसे पहले, ये आपका कौन सा इंडेक्स था? तो चौथा एडिशन था जो SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 नीति आयोग ने रिलीज किया है। ये कौन से नंबर का एडिशन था? तो चौथा एडिशन था। इसके अलावा इसमें आपको याद रखना है, जो SDG इंडिया इंडेक्स है इसमें कितना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है? तो 16 है, ये भी आपको याद रखना है, फॉर ईच स्टेट एंड यूटी। अब आते की पॉइंट पे, इस इंडेक्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है। SDG इंडिया इंडेक्स के चौथे संस्करण की मुख्य विशेषताएं और परिणाम। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत का समग्र स्कोर 2018 में 57 से बढ़कर 2020-21 में 66 हो गया और 2023-24 में 71 यानी 71 हो गया है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो अभी SDG इंडिया स्कोर 2023-24 आया हुआ है इंडिया इंडेक्स, तो इसमें भारत का समग्र स्कोर कितना हो गया है? तो 71। 2018 में कितना था? 57 था। 2019-20 में 60 था। 2020-21 में 66 था और 2023-24 में कितना हो गया है? 71 हो गया है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जो गोल वन है, कोई गरीबी नहीं, नो पॉवर्टी,
फिर गोल 8 जो है सभ्य कार्य और आर्थिक विकास, और गोल 13 जो है जलवायु कार्रवाई में स्वचालित रूप से उत्पन्न देश के स्कोर विवरण की संख्या दर्शाने वाला एक ग्राफ उल्लेखनीय प्रगति है। तो सिंपल यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है ना कि जो लक्ष्य 1 है, गोल 1, गोल 8 और गोल 13, इसने सबसे ज़्यादा उल्लेखनीय प्रगति की है। कौन कौन से गोल ने? गोल 1, SDG 1, SDG 8 और SDG 13, इसने सबसे ज़्यादा उल्लेखनीय प्रगति की है। और ये फ्रंट रनर श्रेणी में है। कौन से कैटेगरी में है? फ्रंट रनर श्रेणी में है। फ्रंट रनर का मतलब क्या हुआ कि स्कोर कितना होगा इनके पास? 65 से 99 के बीच। तो किन में आते हैं? फ्रंट रनर श्रेणी में आते हैं। इनमें लक्ष्य 13 जलवायु कार्रवाई में सबसे अधिक सुधार हुआ है। तो सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किसमें हुआ है? SDG 13, SDG 13 में। इसका स्कोर 54 से बढ़कर 67 हो गया है और ये आपका फ्रंट रनर श्रेणी में आ गया है। जो लक्ष्य 1 है, SDG 1, कोई गरीबी नहीं, इसके करीब है। इसका स्कोर 60 से 72 हो गया है। तो यहाँ से इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, जो सबसे अधिक सुधार हुआ है किसमें हुआ है? SDG 13 में हुआ है, जलवायु कार्रवाई में हुआ है। और इसका स्कोर 54 से 67 हो गया है। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, PDF में दे दूंगा। तो जो SDG 1 है, SDG 1 नो पॉवर्टी, इसका स्कोर कितना है? 72। ये सब पूछ सकते हैं एग्जाम में। अब जो SDG 2 है, जीरो हंगर, अच्छा जीरो हंगर जो ग्रीन में है वो क्या है? फ्रंट रनर कैटेगरी में है। इसका मतलब क्या हुआ कि स्कोर कितना है? 65 से 99 के बीच में है। अचीवर का मतलब 100 हुआ, कोई नहीं है। और जो येलो में है, आपका येलो जो है ये परफॉर्मर में है। परफॉर्मर का मतलब क्या हुआ? स्कोर कितना है? 50 से 64 के बीच में। और ये जो आपका रेड में है, इसका मतलब क्या हुआ? एस्पिरेंट, जिनका स्कोर 0 से 49 के बीच में होता है। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। सबसे पहले तो आप देख लो कि जो SDG 1 है, नो पॉवर्टी, स्कोर कितना है? 72। सबसे ज़्यादा किस में है? 96 है। किस में है? SDG 7, ये भी याद रखना है। सबसे ज़्यादा स्कोर SDG 7, ये कौन सा है? एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, स्कोर कितना है? 96 है, ठीक है। और SDG 2, जीरो हंगर, 52 स्कोर है। और ये कौन सी कैटेगरी में है? तो येलो जो भी है ना, वो आपका परफॉर्मर कैटेगरी में है, तो 52 है। फिर SDG 3, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, 77 स्कोर है। SDG 4, क्वालिटी एजुकेशन में, 61 है, जो कि परफॉर्मर कैटेगरी में है। SDG 5, जेंडर इक्वालिटी, अच्छा जेंडर इक्वालिटी क्या है? 49 है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि जो अभी हाल ही में SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 नीति आयोग ने रिलीज किया, इसमें कौन सा गोल आपका एस्पिरेंट कैटेगरी में है, जिनका स्कोर 0 से 49 के बीच में है? तो जेंडर इक्वालिटी SDG 5, ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। खासकर स्टेट PCS या UPSC, कौन सा गोल, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कौन सा गोल एस्पिरेंट कैटेगरी में है, स्पेंड कैटेगरी में है, तो आंसर क्या होगा? SDG 5, इसमें क्या है? जेंडर इक्वालिटी। और इसका स्कोर कितना है? तो 49। तो 0 से 49 के बीच में जो आते हैं वो कौन सा होता है? आपका एस्पिरेंट होता है। बाकी अगर स्कोर रहा है 50 से 64 के बीच में, तो आपका क्या होगा? परफॉर्मर होगा। और जिसका स्कोर 65 से 99 के बीच में है, वो आपका फ्रंट रनर होगा। और अचीवर 100 होगा, तो अचीवर तो कोई नहीं है। और एस्पिरेंट में बस SDG 5 है, ठीक है, एस्पिरेंट में SDG 5 है। इसके अलावा SDG 8 आपका भी फ्रंट रनर में है, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ है। SDG 9 आपका परफॉर्मर में है। SDG 10 रिड्यूस इनइक्वालिटीज, ये भी आपका किस में है? फ्रंट रनर में है। SDG 11, SDG 12, SDG 13, SDG 15 और SDG 16, ये आपका क्या है? फ्रंट रनर कैटेगरी में है। तो सिंपली आपको याद रखना, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका परफॉर्मर में कौन सा है? SDG 2, SDG 4, SDG 9 और SDG 5 आपका कौन सा कैटेगरी में है? ये आपका है एस्पिरेंट कैटेगरी में, स्कोर कितना है? 49 है। तो मुझे लगता है कि आपसे एग्जाम में UPPCS में पूछ सकता है कि अभी जो हाल ही में इंडेक्स रिलीज हुआ है, नीति आयोग ने रिलीज किया है SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24, इसमें कौन सा गोल आपका एस्पिरेंट में है,
तो कौन सा गोल है? एसडीजी 5 है। स्कोर कितना है? 49 है। अगले पॉइंट पे आते हैं, स्टेट एंड यूटी रिजल्ट। यहां से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। राज्यों के लिए स्कोर ऑफ 57 से 79 के बीच है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों का स्कोर 65 और 77 के बीच है। यह 2020-21 के स्कोर में सुधार का प्रतिनिधित्व करता है, जहां राज्यों के लिए सीमा 52 से 75 और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 62 से 79 थी। नेक्स्ट पॉइंट है, इस वर्ष एक मिनट, हाँ अगले पॉइंट पे आते हैं। इस वर्ष 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने 65 और 99 के बीच स्कोर किया है, जो 2020-21 संस्करण में 22 से अधिक है। विशेष रूप से फ्रंट रनर श्रेणी में 10 नए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। और 10 नए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं, ये भी आपसे एग्जाम पूछ सकता है। अरुणाचल प्रदेश है, असम है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, मणिपुर है, उड़ीसा है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, और दादरा और नागर हवेली है, दमन और दीव है। ये सब किस में आ गए हैं? फ्रंट रनर श्रेणी में आ गए हैं। अब यहाँ से आपको याद क्या करना है, सबसे पहले UPPCS वालों के लिए उत्तर प्रदेश का स्कोर क्या है, उत्तर प्रदेश का स्कोर क्या है? तो आंसर क्या होगा? 67। कौन से कैटेगरी में है? तो ग्रीन में है ना, फ्रंट रनर कैटेगरी में है। बिहार आपका है, बिहार का स्कोर है 57, बिहार का स्कोर है 57। उत्तर प्रदेश का है 67, प्लस 7 से इंक्रीज हुआ है। और बिहार यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, PDF में आप डिटेल में देख लेना। और बिहार का स्कोर है 57। और बिहार जो है ये आपका है कौन से कैटेगरी में? बिहार आपका है परफॉर्मर में, और जो उत्तर प्रदेश है फ्रंट रनर कैटेगरी में है। ये भी आपको याद रखना है, बाकी स्टेट वाले भी अपना देख सकते हैं, PDF में टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, इसी डिटेल में मैं अपने फेसबुक पेज प्रतीक IQ एजुकेशन पे आज शाम तक डाल दूंगा कंप्लीट डिटेल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, रूस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया गया? तो रूस ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इसकी घोषणा 2019 में हो चुकी थी, और क्यों दिया गया है? तो रूस और भारत के बीच विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी और रूसी और भारतीय लोगों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने में असाधारण सेवाओं के लिए। अगले पॉइंट पे आते हैं। ये जो आपका पुरस्कार है, यह पुरस्कार रूस के लिए असाधारण सेवाओं के लिए प्रमुख सरकारी और सार्वजनिक हस्तियों, सैन्य नेताओं और विज्ञान, संस्कृति, कला और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के उत्कृष्ट प्रतिनिधियों को दिया जाता है। यह रूसी संघ को उत्कृष्ट सेवाओं के लिए विदेशी राज्यों के प्रमुखों को भी प्रदान किया जा सकता है। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो जार पीटर द ग्रेट ने 1698 में ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू की स्थापना की थी। फिर 1918 में रूसी क्रांति के बाद इस आदेश को समाप्त कर दिया गया, इस ऑर्डर को समाप्त कर दिया गया, जिसने जारिस्ट शासन को उखाड़ फेंका। फिर इसे 1998 में रूस के राष्ट्रपति के एक कार्यकारी आदेश द्वारा पुनः स्थापित किया गया था। अच्छा, मोदी जी से पहले और ये जो पुरस्कार है किसे मिल चुका है? तो 2017 में मिला था चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और कजाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति नूर सुल्तान नजर बायोव को भी मिल चुका है। तो मोदी जी तीसरे विदेशी नेता बने हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रसार भारती और कौन सी संस्था दिल्ली में 2 दिवसीय रोबोट प्रतियोगिता डीडी रोबोकॉन इंडिया 2024 की मेजबानी करेगी? तो ऑप्शन बी आपका यहां पे सही आंसर होगा, IIT दिल्ली। प्रसार भारती और कौन सी संस्था दिल्ली में 2 दिवसीय रोबोट प्रतियोगिता डीडी रोबोकॉन इंडिया 2024 की मेजबानी करेगी? तो ऑप्शन बी आपका यहां पे सही आंसर होगा, IIT दिल्ली। और ये कौन से स्टेडियम में होगा? तो थयागराज स्टेडियम दिल्ली में। तो इस स्टेडियम का नाम भी याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, जो टीम जीतेगी
द विनिंग टीम फ्रॉम डीडी रोबोकॉन विल रिप्रेजेंट इंडिया एट द इंटरनेशनल एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन रोबोकॉन 2024 में सेलेक्ट किया जाएगा उन्हें, और जो भी कहाँ पे होगा, वियतनाम में, वियतनाम में। तो आपसे ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं कि इंटरनेशनल एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन रोबोकॉन 2024 का आयोजन किस देश में होगा, तो वियतनाम में, ये भी आपको याद रखना है। और जो विनिंग टीम होगी डीडी रोबोकॉन में, ये इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस भारतीय को जून के लिए आईसीसी के माह की महिला खिलाड़ी नामित किया गया, तो स्मृति मंधाना को, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और पुरुषों में किसे मिला है, जसप्रीत बुमराह। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2024 में किस राज्य को बागवानी हॉर्टिकल्चर में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है, तो नागालैंड को, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2024 में किस राज्य को बागवानी यानी हॉर्टिकल्चर में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है, तो नागालैंड को, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और नागालैंड की वुमेन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर कौन है, तो नाम क्या है उनका, सलहौतू ओनू क्रूज। अच्छा, ये नाम इम्पोर्टेंट क्यों है, तो इन्होंने इस अवार्ड को रिसीव किया है एट द 15th एग्रीकल्चर लीडरशिप कॉन्क्लेव जो कि दिल्ली में हुआ। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि नागालैंड की वुमेन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर कौन है, तो नाम क्या होगा, सलहौतू ओनू क्रूज, ये नाम भी आपसे पूछ सकता है। इसके अलावा नागालैंड ने 3 बागवानी फसलों, नागा मिर्चा, नागा ट्री टमाटर और नागा स्वीट ककड़ी का GI टैग हासिल कर लिया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम के लिए प्रधान सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है, तो सौम्या स्वामीनाथन को, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम के लिए प्रधान सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है, प्रिंसिपल एडवाइजर, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सौम्या स्वामीनाथन को। इसके अलावा दो और पॉइंट आपको याद रखना है, जो सौम्या स्वामीनाथन जी है ये फॉर्मर चीफ साइंटिस्ट रही है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में, और डायरेक्टर जनरल रही है ICMR की, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की, तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार विश्व की जनसंख्या किस वर्ष 8.2 बिलियन से बढ़कर 10.3 बिलियन के शिखर पर पहुँच जाएगी, तो मिड 2080 तक, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने किस राज्य के शक्ति कुलंगड़ा मछली पकड़ने के बंदरगाह से गहरे पानी के डॉग फिश शार्क स्क्वेलस हिमा की एक नई प्रजाति की खोज की है, तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है स्क्वेलस हिमा किसकी प्रजाति है, तो शार्क की है, और कहाँ खोजी गई है, तो आंसर क्या होगा, केरल में, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने किस राज्य के शक्ति कुलंगड़ा मछली पकड़ने के बंदरगाह से गहरे पानी के डॉग फिश शार्क स्क्वेलस हिमा की एक नई प्रजाति की खोज की है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, केरल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और किस कंपनी ने अपने संयुक्त रूप से विकसित जोरावर लाइट टैंक के प्रारंभिक प्रोटोटाइप का अनावरण किया है, तो किसने किया है, DRDO और LNT ने, ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से बहुत सारे तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जोरावर क्या है, तो जोरावर क्या है, एक लाइट टैंक है, ठीक है, इसे डेवलप किसने किया है, DRDO और LNT ने, DRDO और LNT ने। और अभी इसको डिस्प्ले किया गया था कहाँ पे, हजीरा गुजरात में, तो ये भी आपको याद रखना है। और एक कब तक शामिल हो जाएगा आर्मी में, तो 2027 तक, कब तक शामिल हो जाएगा आर्मी में, 2027 तक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अच्छा भारत के पास अभी और कौन से टैंक है, तो एक आपका है T-90, T-72, ये सब क्या है, टैंक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वर्ष 2024 के लिए
वर्ष 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो हॉर्टिकल्चर के लिए मिला था नागालैंड को, और बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है महाराष्ट्र को। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री में दिया गया है बेस्ट अवार्ड हरियाणा को, ठीक है, हरियाणा को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्षेत्रीय सुरक्षा समूह कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का नया सदस्य कौन बन गया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बांग्लादेश। क्षेत्रीय सुरक्षा समूह कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का नया सदस्य कौन बन गया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बांग्लादेश। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है, CAC जो कि एक क्षेत्रीय सुरक्षा समूह है, इसका मतलब क्या है? तो सी फॉर कोलंबो, एस फॉर सिक्योरिटी और सी फॉर कॉन्क्लेव। तो CAC स्टैंड फॉर कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। पहले इसमें कितने मेंबर थे? तो पहले इसमें 4 मेंबर थे। कौन कौन? इंडिया, श्रीलंका, मॉरिशस और मालदीव। पांचवा कौन सा देश बना है? तो पांचवा आपका बना है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश पांचवे नंबर का देश बना है, ये भी याद रखना है, पांचवे नंबर का सदस्य बना है। इससे पहले कौन थे? तो इससे पहले इंडिया, श्रीलंका, मॉरिशस, मालदीव और बांग्लादेश पांचवे नंबर का मेंबर बना है। किसका? कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का। और इसका स्थापना एस्टेब्लिश कब हुआ था? जो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है ये आपका एस्टेब्लिश हुआ था 2020 में। किसने ज्वाइन किया था? इंडिया, श्रीलंका और मालदीव ने। फिर बाद में आपका मॉरिशस ने ज्वाइन किया, कब? 2022 में। और अभी नया सदस्य कौन ज्वाइन हुआ है पांचवा? तो बांग्लादेश। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 16वें वित्त आयोग ने एक सलाहकार परिषद का गठन किया, इसका संयोजक कौन है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, डॉक्टर पूनम गुप्ता। और मेंबर कौन कौन से है? तो DK श्रीवास्तव, नीलकंठ मिश्रा, पूनम गुप्ता, प्रांजुल भंडारी और राहुल बजोरिया। और संयोजक कौन है? पूनम गुप्ता क्या है? कन्वेनर है, ठीक है, ऑफ द एडवाइजरी काउंसिल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस संगठन ने कार्रवाई में व्यापार के लिए सहायता, स्वच्छ ऊर्जा में परिवर्तन का समर्थन, एड फॉर ट्रेड इन एक्शन, सपोर्टिंग द ट्रांजिशन टू क्लीन एनर्जी शीर्षक से रिपोर्ट जारी की? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO। अच्छा, WTO इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995। और WTO के डायरेक्टर जनरल कौन है? तो नगोजी ओकोंजो इवेला नगोजी ओकोंजो इवेला डायरेक्टर जनरल है WTO की। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है जिनेवा में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किन दो राज्यों ने 72,000 करोड़ रुपये की पार्वती काली सिंध चंबल नदी जोड़ परियोजना के कार्यान्वयन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, राजस्थान और मध्य प्रदेश। अगले क्वेश्चन में आते हैं। हाल ही में आर्मी हॉस्पिटल के कमांडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर क्या होगा? लेफ्टिनेंट जनरल शंकर नारायण। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में आर्मी हॉस्पिटल के कमांडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, लेफ्टिनेंट जनरल शंकर नारायण। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वजवाहक कौन होगा? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बोथ NB PV सिंधु और शरत कमल। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इससे पहले जो आपका टोक्यो ओलंपिक 2020 जो हुआ था उसमें कौन था ध्वजवाहक? तो उसमें मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। तो दोनों आपको याद रखना है, टोक्यो ओलंपिक 2020 का और 24 का भी।
मनप्रीत सिंह, ये दोनों क्या थे, फ्लैग बियर थे। इसके अलावा गगन नारंग क्या बने हैं, तो सेफ द मिशन, भारत के सेफ द मिशन। पहले कौन बने थे, पहले मैरी कॉम जी बनी थी, फिर इन्हें रिप्लेस करके कौन बने हैं, गगन नारंग बने हैं, किसी कारण से हुआ है। तो भारत के सेफ द मिशन कौन होंगे, गगन नारंग। अच्छा, अगर गगन नारंग की बात करें तो गगन नारंग ने ब्रोंज मेडल जीता था 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में। और कब जीता था, तो इन्होंने जीता था लंदन 2012 ओलंपिक में, ठीक है, पूछा था एग्जाम में, लंदन 2012 ओलंपिक में, ठीक है। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं, हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो वाशिंगटन, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, नाटो में मेंबर कंट्री कितने हैं, 32 मेंबर कंट्री है, 32 मेंबर है, और 30 से जो आखिरी मेंबर जिसने ज्वाइन किया है कौन सा देश है, तो 32 32वें नंबर पे है स्वीडन, और 31वां कौन सा देश ज्वाइन किया था, 31वां फिनलैंड। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक आईक्यू करेंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।